हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने सिलाई में कुछ फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालना बहुत ही, यदि आपको नहीं आता हो तो आप हमें बिगनर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फंदे डालना भी बता दूंगी। ऐसे भी कई भी वीडियो में बताई भी हूँ मगर फिर भी, तो उस यहाँ पे देखिए हमने कुछ फंदे डाल लिए हुए हैं और ये बॉर्डर शुरू से ही मतलब फर्स्ट फंदे से ही शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमने फर्स्ट फंदे को आप बिनना है या उतारना है या आपकी इच्छा है, तो मैं उतारती हूँ हमेशा तो उतार लूँगी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेकंड फंदे को हमें इस धागे को आगे करके और यहाँ पे पहले एक उल्टा बना लेंगे, एक उल्टा और धागा फिर पीछे करेंगे और इस फंदे को इसी तरह से हमें उतार लेना है। थोड़ा सा टाइट रहता है फर्स्ट फंदा, तो इस फंदे को उतार लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। फिर हमें फंदा पीछे, धागा पीछे करनी है और एक फंदे को इसे उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है, बस जस्ट इसमें डाल लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा बैक साइड करेंगे, उसके बाद से इस फंदे को हमें उतार लेने, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे उल्टे बुन लेंगे। मतलब एक फंदे में उल्टा बुनना है और धागा पीछे करके हमें इस फंदे को ऐसे केवल उतार लेना है। इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए हम इसको बनाते हुए लास्ट में हमारा अभी दो फंदा बचा है, यहाँ पे हमने उल्टा बुना हुआ है। अब हमें इसको धागा पीछे करके इस फंदे को तो उठा लेना है और लास्ट वाला फंदा हमें बुन लेना है इस तरह से, लेकिन धागा अपनी तरफ ही करके बुनना है जैसे हमने बताया हुआ है। उसके बाद से अब हमें पलट लेना है और ये हो गया उल्टी साइड। यहाँ पे इधर सीधी साइड होता है, देखिए जब अब फंदे डालिएगा ना तो उस समय में यहाँ पे छोटी छोटी जैसा बहुत ही अच्छा सा दिखेगा, तो ये सीधी साइड होगा और इधर में उल्टा में मोती जैसा यानी गांठ जैसा दिखेगा, तो ये उल्टा हो गया। अब आपको इसको ऐसे करके फंदे उठाना चाहिए, तो धागा को इस तरह से अंदर करिएगा तो साइड में बहुत सुंदर सा चोटी बनते हुए जाएगा। अब पिछले साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदे को हमें ऐसे उल्टा उल्टा धागा अपनी तरफ किए हुए ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे हमें बनाते जाना है। इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी लाइन पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सीधी साइड और तीसरी लाइन है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन एक्स्ट्रा बना लिया ताकि आपको हल्का सभी डिजाइन समझ में आए, तो शायद आपको डिजाइन समझ में आ रहा हो हल्का हल्का। तो हमें मान लीजिए तीसरी लाइन है मेरा, तो उस तरह से हमें सीधे तरफ में पहले फंदे तो हमने उठा लिए थे ऐसे करके ही उठाना है, तो इससे साइड में आपको दिखेगा ये चोटी जैसा बनते जाता है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला हमारा फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा ही बुन देंगे और धागा फिर पीछे करेंगे, और ये वाला जो हमारा फंदा है ये आपको चोटी जैसा दिखेगा, आप शायद अभी कम दिख रहा हो तो यहाँ पे दिखेगा आपको बिल्कुल चोटी जैसा बन रहा है। तो इस फंदे को हमें बिल्कुल इसी तरह से उठा लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे, उसके बाद वाला फंदा उल्टा हमने बुना था तो उसको उल्टा ही बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर इस फंदे को सीधे ही उठाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके इसको सीधा से ऐसे करके ही हमें उठाना है। तो इस तरह से एक फंदा हमें बुनना है और एक फंदा बिना बुने ऐसे उतार लेना है। इसी तरह से ये डिजाइन बनेगा और ये बॉर्डर बहुत, बॉर्डर बनाइए तो बहुत सुंदर लगता है, और ये बॉर्डर ही है, अगर आप डिजाइन में चाहते तो डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं इस डिजाइन को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब बैक साइड में मैं बताना भूल गई, तो बैक साइड में आपको करना कुछ नहीं है, हमें सारे फंदे को उल्टे उल्टे बुनते जाना। फर्स्ट फंदा तो मैं नहीं बुनती हूँ, मैं उठा लेती हूँ, तो बिना बुने उतार लेती हूँ, तो उतार लीजिएगा। अगर आप बुनते होंगे तो बुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से बैक साइड में हमें बिल्कुल उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ देखिए हमने डिजाइन कुछ बना लिया है, तो ये सीधी साइड से देख रहे हैं ना कितना प्यारा दिख रहा है, और बनाने में बहुत ही आसान है, और बैक साइड से भी ये इसमें एक डिजाइन जैसा ही बनता है। देखिए ये लाइन लाइन दिखेगा आपको गाठ गाठ, तो ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।